जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोना मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोना मिश्रा पुलिस में। दोस्तों, काफी लंबे समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, उसका कारण बस यही है कि मेरा ट्रांसफर एक गांव में हो गया है और वहां मेरे को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। इस चक्कर में मैं आप लोग को कमेंट का भी रिप्लाई बहुत कम कर पा रही थी और वीडियोज का भी जो है तो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने थोड़ा टाइम निकाला है आपके लिए, तो जो इसमें कमेंट आए हैं वो उन कमेंटों को मैं फटाफट इस वीडियो के माध्यम से उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। जिनको थोड़ा शॉर्ट में है तो उनको शॉर्ट में जानकारी दे दूंगी, जिनका डिटेल में है तो उनको भी थोड़ा डिटेल में देने की कोशिश करूंगी। तो पहला कमेंट है साइको गेमिंग का है, जो कि है एमपी पुलिस की तैयारी आप ऑनलाइन करवा दोगे दीदी? जी भैया, मैं करवाने वाली थी लेकिन दिक्कत ये है कि अभी जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत बिजी शेड्यूल है, इसी चक्कर में हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो ऑनलाइन तैयारी का हमने पूरा सेटअप तैयार कर लिया था, हमें बस यही था कि हमें ऑनलाइन शुरू करना है, आप लोग की हेल्प करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा था कि मैं उनकी थोड़ी हेल्प कर सकूंगी, लेकिन बस बिजी शेड्यूल के कारण हमारा ये सपना भी साकार नहीं हो पाया है। मैं चाहूंगी कि आप लोग विश करें कि मेरा जल्द से जल्द इसे ट्रांसफर हो जाए तो मैं आप लोग की मदद कर सकूँ। जी भैया, हम करेंगे ऑनलाइन की तैयारी, करवाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे मेरा ट्रांसफर होगा तब करवा पाएंगे, अभी रिसेंट में नहीं। दूसरा है सितोला कोल का है, ये है मैम मेरा भी पुलिस बनने का सपना है। जी, आपका जो सपना है आप उस सपने को साकार करिए, तैयारी करिए, आप जरूर पुलिस बनेंगे। जी, मेरा मैथ बहुत वीक है। जी भैया, मैथ आपका युवराज सिंह का ये कमेंट है, युवराज सिंह राजावत जी का कमेंट है कि दी मेरा मैथ बहुत वीक है। तो भैया, जो आपका जो सब्जेक्ट वीक है उसको आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, स्ट्रांग हो जाएगा। एक रंगवाद सरकार है, उनका कमेंट है मिस इसमें जॉब कैसे लगता है, मिस CCTNS में जॉब कैसे लगता है? तो भैया, CCTNS में जॉब अलग से नहीं लगती है कि CCTNS में अलग से जॉब लगती है। CCTNS में जैसे एज ए पुलिस कांस्टेबल आप भर्ती होते हैं, उसमें से ही जो इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको अच्छे से कंप्यूटर चलाना आता है, कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, उनको CCTNS में मतलब अलॉट किया जाता है, वो ही CCTNS करते हैं। और ये एक कमेंट आया है लखनेश्वर का, लखनेश्वरी, ये CG फॉरेस्ट गार्ड के लिए कौन सा बुक लेना है? तो CG फॉरेस्ट गार्ड का तो अब उसका सिलेबस हमने देखा नहीं है, तो अभी हम वो आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे कि CG का क्या सिलेबस है, तो हम आपको बाद में ये जानकारी उपलब्ध कराएंगे। दिनेश सिंह का कमेंट है, दीदी आप अपना नंबर सेंड कर सकती हैं हम, प्रिया बोल रहे हैं। देखिए, हम पब्लिकली अपना नंबर नहीं दे सकते हैं, नहीं तो आपको तो पता है कि हमारा शेड्यूल कितना बिजी है, तो फिर सब लोग फ़ोन लगाने लगेंगे और मेरे पास टाइम नहीं रहेगा बात करने का, तो मुझे बहुत बुरा लगता है अगर मैं किसी को टाइम नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं अगर मुझे कोई मैसेज करता है, कोई कॉल करता है, तो मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उससे बात करती हूँ, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी के कॉल का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ या फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को एक दूसरा इसका निगेटिव वे भी है नंबर या फिर नहीं देने का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैंने किसी को नंबर दे दिया, अब वो फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि दिन भर फोन लगाने लगते हैं, दिन भर मैसेज करने लगते हैं, मैम आप क्या कर रही हैं, मैम आपने खाना खा लिया? अब इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं कि हम दिन भर किसी को रिप्लाई करते रहें, तो फिर लोगों को लगने लगता है मैम एटीट्यूड दिखा रही हैं, जो मेरे में बिल्कुल है नहीं। और अगर किसी ने ऐसा बोल दिया तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ना तो मेरे अंदर एटीट्यूड है ना मेरे अंदर घमंड है, तो फिर जो चीज़ नहीं है वो तो दो रीज़न है नंबर ना देने के। बाकी अगर ऐसा है तो आप कुछ भी आपको डाउट है तो आप नंबर देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे कमेंट करिए, मैं बिल्कुल ऐसे वीडियो के माध्यम से आपको जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करूंगी। और मैम लोकेशन क्या है? मैंने एक ये क्वार्टर का वीडियो डाला था, तो जिक्र पुलिस विभाग में कैसे क्वार्टर मिलते हैं, तो उसका एक अंजलि सक्सेना है, उन्होंने कमेंट किया था कि मैम लोकेशन क्या है। तो लोकेशन पुलिस लाइन जनरली रहती है या फिर थानों के आसपास भी क्वार्टर बनाए जाते हैं, तो हर जगह हर लोकेशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे जिसकी ज्वाइनिंग होती है उसके हिसाब से लोकेशन रहती है। एक कमेंट आया है सलाउद्दीन से का कि इन्होंने बोला है, जो मैंने गृह जिले का वीडियो डाला था उसके लिए इन्होंने बोला है ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो जी भैया, ये ज़रूरी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में बहुत बैड कंडीशन होती है, माता पिता का सपोर्ट चाहिए होता है लेकिन नौकरी के कारण नहीं कर पाते हैं। तो जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ज़रूरी है। और एक मैंने वीडियो डाला था गांव की लड़कियां पुलिस की तैयारी कैसे करें, तो इस पर प्रीति कौर का कमेंट आया था, हेलो मैम मुझे भी पुलिस बनना है, उसके लिए क्या करना होगा? तो मैंने इनको रिप्लाई किया था कि तैयारी करिए, तो इन्होंने बोला है कि तैयारी तो कर लूँ बट समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना है, फिजिकल तो अच्छा है।
तो आपके जो जिस भी पुलिस की आप तैयारी करना चाहती हैं उसका आप सिलेबस सबसे पहले निकालिए। अगर आपको सिलेबस निकालना नहीं आता है तो आप उसके रिकमेंड करिए कि आप इस पुलिस की तैयारी करना चाहती हैं, तो मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगी। और उसके बाद आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी बुक ले लीजिए और सेल्फ स्टडी कर सकती हैं। और अगर आपके पास पैसे हैं, आप फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सही है, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकती हैं, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी और आप अपना जो सपना है उसको साकार करने की और कदम बढ़ा सकती हैं। इसके बाद कमेंट आया है जय हिंद दीदी, ये है शिवांजलि पाल का कमेंट है, तो जय हिंद आपको भी। इसके बाद कमेंट है मानसी मिश्रा का, ये कमेंट आया है कि हेलो मैम, मैं भी गांव से हूँ और मेरा भी ड्रीम है पुलिस, यूपी पुलिस का, प्लीज आओ आप मेरा सपोर्ट कीजिए। तो जी बिल्कुल, हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है। आप अच्छे से तैयारी करिए, जो भी आपको समस्या आ रही हो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकती हैं, हम उस समस्या में बिल्कुल आपकी मदद करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हम बिल्कुल पूरी ईमानदारी से, तत्परता से आपके साथ हैं। आप तैयारी करिए और अपनी बर्थडे पाने का बिल्कुल सपना जो है उसको पूरा करिए। और एक कमेंट आया है कि
जो है तो एग्जाम देने जींस टॉप पहन के ही जाना है, सूट सलवार पहन के ही जाना है, या फिर साड़ी पहन के जाना है, तो नारी नारी की तो शोभा होती है साड़ी। साड़ी पहन के तो आपको कहीं कोई बैन ही नहीं कर सकता है, आप बिल्कुल जा सकती हैं, बिल्कुल आप साड़ी पहन के जाइए और बेझिझक आपको एंट्री मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद और कमेंट की अगर बात करते हैं तो बैच नंबर 1001 मिश्रा विदिशा पुलिस, ये क्या कमेंट है इसको देखते हैं। बैच नंबर 1001 सोना मिश्रा विदिशा पुलिस, ये कमेंट का मुझे मतलब समझ में नहीं आया है, जो भी हो किसी ने कमेंट किया ही है। और सिस की पुलिस में एग्जाम किस टाइप का होता है, तो इसके बारे में हम आपको अलग से जानकारी देंगे, क्योंकि इसके लिए आपको डिटेल में जानकारी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ कमेंट जो कि मैंने आपको बताया, तो ये सारी चीज़ें आप करें, और अगर आपका भी कमेंट छूट गया है तो हम अगले वीडियो में आपको बिल्कुल उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। और अभी भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट था और कमेंट करने से आप डर रहे थे, तो आप देखिए कि मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट के लाइव आकर के और बहुत सारे कमेंटों को मैंने सॉर्ट आउट किया है। तो आप भी कमेंट करिए, फटाफट जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट टाइप करिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है, और अपनी कमेंट का अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए, और लगातार लग जाइए बिल्कुल वर्दी को पाने के लिए, अगर आपका भी सपना वर्दी पाने का है। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग जितने लोगों ने मुझे कमेंट किया था उनको उनके कमेंट का जवाब मिल गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे से खाते पीते रहिए, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है।